नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो महाराष्ट्र में स्थित है। केड़कर हॉस्पिटल अकोला में है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आज जो बीमारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसका कोई मराठी या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जो हमारे आसपास बहुत लोगों को हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस कोई कर नहीं पाता और इसका ट्रीटमेंट कहीं भी उपलब्ध नहीं है। खाली साइकेट्रिस्ट ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब होता क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब है पेशेंट को ऐसा एक फीलिंग आती है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और वो बीमारी एक्चुअल रियलिटी में कुछ होती नहीं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगने लगता है, दिमाग में वो विचार घूमने लगता है कि मेरे को कोई बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, मेरे को कोई बड़ी बीमारी हुई है, और उसके कारण पेशेंट कंटिन्यूअसली स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट का वर्किंग है, मतलब काम धंधा है या पढ़ाई है, वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है और उसमें इंपेयरमेंट आ जाता है। सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है कि पेशेंट को ये डर लगने लगता है कि मुझे HIV या एड्स हो गया है। अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद, पूरे लेबोरेटरी टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे HIV हुआ है, और वो पेशेंट ये जो बीमारी है या जो ये विचार है उससे कंप्लीटली ग्रस्त हो जाता है। वो किसी से बात नहीं करता, किस अच्छी से तरीके से काम नहीं कर पाता, वाइफ से रिलेशनशिप बना नहीं पाता, ऐसे प्रकार के विचार पेशेंट को घूमने लगते हैं, पेशेंट के दिमाग में घूमने लगते हैं। जो दूसरी बहुत ही कॉमन बीमारी पेशेंट को लगता है कि उसको है, वो है कैंसर। कहीं पेशेंट कुछ देख लेता है, कहीं पेशेंट कुछ सुन लेता है, और पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मुझे भी कैंसर हो गया है, मुझे भी लंग्स का कैंसर हुआ है, मुझे भी ब्रेन का ट्यूमर हो गया है, ऐसा पेशेंट को लगने लगता है, और हर चीज वो उसी के रास्ते से सोचता है। हालांकि अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस, सीटी स्कैन, MRI स्कैन करने के बावजूद भी जब सभी टेस्ट निगेटिव आते हैं, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मुझे ये बीमारी है, और पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निगेटिव रिजल्ट्स आने के बावजूद पेशेंट मानता है कि मुझे ये बीमारी है। ये बीमारी होती क्यों है? बहुत बार हमको ये देखने को मिलता है कि पेशेंट अगर सेंसिटिव रहा, अगर पेशेंट बहुत ही सहनशील रहा, तो ये पेशेंट को ये बीमारी जल्दी हो जाती है। अगर पेशेंट का कॉन्फिडेंस लो है, पेशेंट का सेल्फ एस्टीम लो है, तो ये बीमारी जल्दी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सोशली आइसोलेटेड रहता है, अकेला रहता है, पेशेंट को दोस्त नहीं होते, पेशेंट का इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता, तो उस वक्त भी ये बीमारी पेशेंट को हो सकती है। बहुत बार पेशेंट ने ऐसे कुछ चीजें किया रहता है जिसके वजह से पेशेंट को लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिल रही है, पेशेंट को गिल्टी लगता है, पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई पनिश कर रहा है, और फिर पेशेंट को ये बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध बनाए, और फिर उसके बीवी को ये मालूम पड़ा कि वो पेशेंट ने प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध बनाए हैं। तब से पेशेंट को गिल्टी फील होने लगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लो हो गया, पेशेंट का जो एस्टीम था वो लो हो गया, सेल्फ एस्टीम कम हो गया, और पेशेंट को लगने लगा कि मुझे HIV एड्स हुआ है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पेशेंट मुंबई गया, उसके बाद वो दिल्ली गया, हर तरफ हर सिटी में इन्वेस्टिगेशन निगेटिव आने के बावजूद पेशेंट को लगने लगा कि मुझे हाइपोकॉन्ड्रियासिस की बीमारी है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के को दूसरा टर्म बोलते हैं इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ऐसी ये बीमारी है। बीमारी के बारे में अधिक जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।